मित्रों, आज हम जिस व्यक्तित्व की जानकारी आपको देने जा रहे हैं, उनकी वीरता और बहादुरी से रोम रोम वीर रस से भर जाता है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बिहार के सपूत और माँ भारती के बेटे बाबू वीर कुंवर सिंह जी की। आज 26 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जी की पुण्यतिथि यानी कि शहादत दिवस है। आज 26 अप्रैल 2021 को उनकी 163वीं शहादत वर्षगांठ पर मैं और मेरी पूरी टीम उनको श्रद्धांजलि देती है। तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल किपकी में, यानी नो योरसेल्फ बाय नोइंग इंडिया। मैं अंशुमन गुप्ता खगोल तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बाबू वीर कुंवर सिंह जी के जीवन पर प्रकाश डालेंगे। इस एक ही वीडियो में आप वीर कुंवर सिंह जी के बारे में पूरी तरह जान जाएंगे, क्योंकि आज तक कुंवर सिंह जी पर इतनी गहराई से कोई वीडियो नहीं बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अनगिनत किस्से आप लोगों को सुनने को मिले होंगे। हर एक किस्से को सुनकर दिल जोश से भर जाता है। मन में बस यही ख्याल आता है कि जाने कैसे लोग थे जिन्होंने न जान की परवाह की, न ऐशो आराम की परवाह की, बस निकल पड़े देश को आजाद कराने के संकल्प के साथ। इन आजादी के परवानों को न तो उनकी उम्र रोक पाई, न कोई और मोह। ओडिशा के बाजी राउत ने मात्र 12 साल की उम्र में भारत माँ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो वहीं एक और ऐसा सेनानी भी था जिसे 80 वर्ष की अवस्था में अपनी जान की बाजी लगा दी। आज की हमारी कहानी है बिहार के गौरव बाबू वीर कुंवर सिंह की, जिन्होंने 80 वर्ष की आयु में न केवल अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजाया, बल्कि कई युद्धों में अंग्रेजों को परास्त भी किया। साल 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में वीर कुंवर सिंह जी का जन्म हुआ था। वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर गांव में एक उज्जैनिया राजपूत घराने में जन्मे थे। उनके पिता का नाम बाबू साहबजादा सिंह था, जो कि भोजपुर जिले के उज्जैनिया राजपूत वंश के रियासतदार शासक थे। वीर कुंवर सिंह जी की मां का नाम रानी पंचरतन देवी था। उनके छोटे भाई अमर सिंह, दयाल सिंह और राजपति सिंह भी थे। साल 1826 में वीर कुंवर सिंह जी के पिता की मौत के बाद उनको ही जगदीशपुर के तालुकदार बनाया गया था, जबकि वीर कुंवर सिंह जी के दो भाई को हरे कृष्ण और अमर सिंह को सिपाह सालार बनाया गया था, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध में भी उनका साथ दिया था। इसके अलावा वीर सिंह जी के ही परिवार के गजराज सिंह, उमराव सिंह और बाबू उद्वन सिंह ने भी भारत की पहली आजादी में लड़ाई में उनका सहयोग दिया था। वीर कुंवर सिंह जी का विवाह मेवाड़ी के सिसोदिया राजपुताना शासक फतेह नारायण सिंह जी की बेटी के साथ हुआ, जो कि बिहार सिंह जिले के बड़े और समृद्ध जमींदार और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के वंशज भी थे। वीर कुंवर सिंह जी ने दूसरी शादी भी की थी। उनकी दूसरी पत्नी एक मुस्लिम महिला थी जिसका नाम धर्मन बाई था, जिसके नाम पर वीर कुंवर सिंह जी ने धर्मन चौक और आरा और जगदीशपुर में धर्मन के नाम पर मस्जिद का निर्माण करवाया था। धर्मन बाई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह जी से अटूट प्रेम था। धर्मन उनके साथ युद्ध अभियान में भी गई थी। अपने प्रेम के खातिर धर्मन बाई ने अपनी शहादत दे दी थी। धर्मन बाई की बहन करमन बाई के नाम पर आज भी आरा शहर में एक मोहल्ला है जिसे वीर कुंवर सिंह जी ने बसाया था। वीर कुंवर सिंह जी एक कुशल योद्धा के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने अपने समय में निधनों की सहायता की थी, कुएं खुदवाएं और तालाब बनवाया था। वीर कुंवर सिंह जी का बचपन
खेल खेलने की बजाय घोड़सवारी, निशानेबाजी, तलवारबाजी सीखने में बीता था। उन्होंने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली थी। माना जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद भारत में वह दूसरे योद्धा थे जिन्हें गोरिल्ला युद्ध नीति की जानकारी थी। अपनी इस नीति का उपयोग उन्होंने बार बार अंग्रेजों को हराने के लिए किया था। वीर कुंवर सिंह जी 1857 की क्रांति के एक महान योद्धा और सूरवीर थे। साल 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा, तब वीर कुंवर सिंह जी की आयु 80 बरस की थी। इस उम्र में अक्सर लोग आरामदेह जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, और अगर वीर कुंवर सिंह भी चाहते तो यह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने संग्राम में अपने सेनानी भाइयों का साथ देते हुए अंग्रेजों का डटकर मुकाबला करने की ठानी। उनके दिल में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति को एकजुट किया और अंग्रेजी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। उन्होंने अपने सैनिकों को और कुछ और साथियों के साथ मिलकर सबसे पहले आरा नगर के अंग्रेजी अधिपत्य को समाप्त किया। आजादी पाने की ओर जब पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी, जिसमें नाना साहेब, तात्या तोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महान योद्धा अपने अपने राज्यों को अंग्रेजों के कब्जे से बचा रहे थे, उसी दौरान बाबू वीर कुंवर सिंह ने भी बिहार राज्य के दानापुर के क्रांतिकारियों का सहयोग कर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी कुशल सैन्य शक्ति का परिचय दिया था। राजपूत राजघराने में पैदा होने की वजह से बाबू वीर कुंवर सिंह जी के पास काफी जागीर थी। वह बड़े जमींदार थे। हालांकि बाद में उनकी जागीर ब्रिटिश हुकूमत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ नीतियों के चलते छिना गई थी, जिसके कारण उनके मन में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत आ गई। इसी कारण वीर कुंवर सिंह जी ने अंग्रेजों का पुरजोर विरोध किया। जब बड़े बड़े शासक और जमींदार के दिल में साल 1848-49 में ब्रिटिश हुकूमत की गलत नीति से डर जाग गया था, उस समय वीर कुंवर सिंह जी सामने आए। तब अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट हो गए थे। अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण किसान भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हो गए। तभी बिहार के दानापुर रेजिमेंट, रामगढ़ के सिपाहियों और बंगाल के बैरकपुर ने अंग्रेजों के खिलाफ धावा बोल दिया, और इसी दौरान मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला जागी। वीर कुंवर सिंह जी ने भी अपनी सैन्य शक्तियों और साहस से ब्रिटिशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वीर कुंवर सिंह जी ने आजमगढ़ को भी आजादी दिलाई थी। अपनी सूझबूझ और बल के प्रयोग के साथ वीर कुंवर सिंह जी ने आरा शहर और जगदीशपुर को तो आजादी दिलाई, साथ ही आजमगढ़ को भी आजाद कराया था। जब उनको पता चला कि आजमगढ़ से सैनिक लखनऊ भेजे गए हैं, तब इस मौके का फायदा उठाकर आजमगढ़ पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने आजमगढ़ को तकरीबन 81 दिनों तक आजाद करा दिया था। दोस्तों, अब हम जानेंगे जगदीशपुर की आजादी के बारे में कि वीर कुंवर सिंह जी ने जगदीशपुर को कैसे आजाद करवाया था। आजमगढ़ से जब वे लौट रहे थे तो सीधे जगदीशपुर पहुंचे थे। 25 जुलाई 1857 को जब आरा शहर पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ था, तो कुंवर जी ने आरा शहर के प्रशासन को एकजुट किया, जबकि आजादी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई थी। नगर उनके शासन प्रबंध की लोगों में खूब तारीफ हुई थी। उनकी आखिरी जीत भी जगदीशपुर की आजादी थी। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर गाजीपुर, बलिया आदि जनपदों में छापामार युद्ध करते थे और अंग्रेजों को खूब छकाया करते थे। युद्ध अभियान में बांदा, रीवा तथा कानपुर भी गए थे। इसी बीच अंग्रेजों को इंग्लैंड से नई सहायता प्राप्त हुई, जिसमें कुछ रियासतों के शासकों ने अंग्रेजों का साथ दिया।
युद्ध आरंभ करने की कोई निश्चित तिथि न होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोह के दमन का अवसर मिला था, जिससे अंग्रेजों ने अनेक छावनी में सेना के भारतीय जवानों को निशस्त्र कर विद्रोह की आशंका में तोपों से भून दिया था। वीर कुंवर सिंह गुप्त योजनाएं बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। वे एक बार जिस रणनीति से शत्रुओं को पराजित करते थे, दूसरी बार उससे अलग रणनीति अपनाया करते थे, जिसके कारण शत्रु सेना कुंवर सिंह की रणनीति का निश्चित अनुमान नहीं लगा पाती थी। आजमगढ़ से 25 मील दूर अतरौलिया के मैदान में अंग्रेजों से जब युद्ध जोरों पर थी, तभी कुंवर सिंह जी की सेना सोची समझी रणनीति के अनुसार पीछे हटती चली गई। अंग्रेजों को लगा कि वे जीत गए और खुशियां मनाने लगे। अंग्रेजों की थकी सेना आम के बगीचे में ठहर कर भोज करने लगी। तभी उसी समय कुंवर सिंह जी की सेना ने अचानक आक्रमण कर दिया। पराजय के कारण अंग्रेज बहुत चिंतित हो गए। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर वीर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। स्वतंत्रता संग्राम में आरा शहर एकमात्र ऐसा शहर था जिस पे बगावत के आरोप का मुकदमा चला था, ना कि किसी व्यक्ति पे, बल्कि शहर पर 1858 के कुछ अधिनियम के तहत बगावत का आरोप था। सुनवाई कर रहे मजिस्ट्रेट डब्ल्यू जे हर्सल थे। गवर्नमेंट वर्सेस द टाउन ऑफ आरा मुकदमा 1859 में चला था, जिसमें पुकार हुई थी, आरा शहर हाजिर हो। आरा पर कब्जा के बाद 6 अगस्त 1857 में ड्रमहेड कोर्ट मार्शल के तहत 16 लोगों को फांसी दी गई थी। पटना के क्रांतिकारियों के मुख्य नेता पीर अली को भी फांसी दी गई थी, जिससे दानापुर की देसी पलटनों ने स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। यह पलटने जगदीशपुर की तरफ आई और कुंवर जी ने इसका नेतृत्व संभाला था। आंदोलन में पूरे शहर के लोगों की भागीदारी से अंग्रेज काफी नाराज थे। उस वक्त आरा के सत्र न्यायाधीश आर्थर लिटिल डेल थे। वे 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आरा हाउस में घिरे हुए थे। 3 अगस्त को मेजर विंसेंट आयर के फौजी दल द्वारा गजराजगंज बीवीगंज में मुठभेड़ के बाद आरा पर फिर से कब्जा कर लेने के दिन से कोर्ट मार्शल की डायरी लिटिल डेल ने रखनी शुरू की, जिसमें 6 अगस्त के कोर्ट मार्शल का वर्णन डायरी में था। फांसी पर चढ़े गुलाम यह नया कुंवर सिंह के वकील भी शामिल थे। उन्हें आरा का प्रोवेस्ट मार्शल कुंवर सिंह ने नियुक्त किया था। शहरवासियों को आरोप मुक्त करवाया था। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे वीर कुंवर सिंह जी की शहादत के बारे में, यानी वीर कुंवर सिंह जी कैसे वीर गति को प्राप्त हुए। आजमगढ़ के युद्ध के बाद बाबू वीर कुंवर सिंह जी 20 अप्रैल को 1858 को गाजीपुर के मनोहर गांव पहुंचे। वहां से वो आगे बढ़ते हुए 22 अप्रैल को नदी मार्ग से जगदीशपुर रवाना हुए। वीर कुंवर सिंह जी 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। उन्होंने आरा में अंग्रेजी खजाने पर कब्जा किया, जेल से कैदी रिहा किए। लखनऊ से भागे कई क्रांतिकारी भी कुंवर जी की सेना में आ गए। युद्ध प्रारंभ होने से कुछ समय बाद ही कुंवर सिंह ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया और उनके सैनिक कई दलों में बंटकर अलग अलग दिशाओं में भागे। उनकी इस योजना से अंग्रेज सैनिक संशय में यानी सोच में पड़ गए और वे भी कई दलों में बंटकर कुंवर सिंह के सैनिकों का पीछा करने लगे। जंगली क्षेत्र से परिचित न होने के कारण बहुत से सैनिक भटक गए और उनमें बहुत सारे मारे गए। इसी प्रकार
कुंवर सिंह ने अपनी सोची समझी रणनीति में परिवर्तन कर अंग्रेज सैनिक को कई बार छकाया। कुंवर जी की इस रणनीति को अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को इन्होंने पूरी तरह खदेड़ दिया। इसके बाद कुंवर सिंह जी ने अपनी सेना के साथ बलिया के पास शिवपुरी घाट से रात्रि के समय कश्तियों में गंगा नदी पार कर रहे थे। अपने सैनिकों को नदी पार करा दिया था। वीर कुंवर सिंह एक नाव में आखिर में गंगा पार कर रहे थे, तभी अंग्रेजों की सेना वहां पहुंची और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगी। इस दौरान वीर कुंवर सिंह जी घायल हो गए और एक गोली उनके बाह में लगी, लेकिन उनकी तलवार कहां रुकने वाली थी। अंग्रेजों की गोली लगने से उन्होंने अपना अपमान समझा और फिर तलवार से अपनी बाह काटकर गंगा नदी को समर्पित कर दिया और एक ही हाथ से दुश्मनों का सामना किया। उस दिन बुरी तरह घायल होने के बाद भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से गोरे पिस्सुओं का यूनियन जैक नामक झंडा उतारकर ही दम लिया। वहां से वे अपने किले की ओर लौटे, लेकिन तब तक जहर उनके शरीर में फैल चुका था और उनकी तबीयत काफी नाजुक हो गई थी। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के कब्जे से आजाद कराने के 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को कुंवर साहब वीर गति को प्राप्त हो गए। आज भी इतिहास के पन्नों में सेनानी वीर कुंवर सिंह जी का नाम स्वर्णाक्षरों से अंकित है। हिंदी साहित्य की महान कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी उन्हें अपने मशहूर कविता झांसी की रानी में स्थान दिया है। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। 23 अप्रैल 1966 को भारत सरकार ने उनके नाम का मेमोरियल स्टैम्प भी जारी किया था। हर वर्ष 23 अप्रैल को ही बिहार सरकार बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती हर वर्ष मनाती है और वह एक सरकारी छुट्टी का भी दिन होता है। ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने उनके बारे में लिखा है, इस बूढ़े राजपूत ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध अद्भुत वीरता और आन बान के साथ लड़ाई लड़ी। वह जवान होते तो शायद अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता। वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर बिहार में कई एक जगहों एवं विश्वविद्यालयों का नामकरण किया गया। 22 अक्टूबर 1992 को वीर कुंवर सिंह जी के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, जो कि बिहार के आरा शहर में है। इस यूनिवर्सिटी का नाम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है। इसी तरह से आरा छपरा पुल का नाम भी वीर कुंवर सिंह सेतु रखा गया है। वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर पटना के हार्डिंग पार्क का नाम बदलकर शहीद वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क रखा गया है। यह एक पब्लिक पार्क है जो पटना के शहर में स्थित है। आज भी बाबू वीर कुंवर सिंह जी की विरासत बिहार के भोजपुर में विरासत के रूप में संजोकर रखा हुआ है। दोस्तों, आज हमने जाना बिहार के सपूत स्वतंत्रता सेनानी योद्धा बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में। इसी के साथ अंशुमन गुप्ता खगोल विदा लेता है। कल फिर भेंट होगी कालखंड के किसी नए हिस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और भारत माता के लिए जय हिंद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हम लोगों की पूरी टीम आप लोगों के लिए बहुत गर्मजोशी से काम कर रही है। वीडियो पर कमेंट करना ना भूलें और अब मुझे आज्ञा दें। जय हिंद।